तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम वर्णिका स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उसका नोट्स तैयार नहीं था, जिसके वजह से हम वर्णिका शुरू नहीं कर पाए आज। तो फिलहाल कोई बात नहीं, ये वाला चैप्टर आज हम लोग पढ़ लेते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। ओके, आज हम लोग प्यारे बच्चों क्या पढ़ लेंगे? परंपरा का मूल्यांकन पढ़ लेंगे। और परंपरा के जो मूल्यांकन चैप्टर है ना, इसको हम आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। मतलब परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर अपने आप में प्यारे बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी में ये वाला जो चैप्टर है ना, बहुत बड़ा महत्व रखता है। कहिए कैसे सर? तो क्योंकि प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर में ना हमें साहित्य के बारे में पढ़ना है। इस चीज के बारे में, साहित्य के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और हिंदी भी क्या है? एक साहित्य है, समझ गए ना? तो इसलिए इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न थोड़ा सा परीक्षा में वैल्यू रखता है, समझ गए? तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी लोगों को भाई गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से ना आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है? जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक बार प्यारे बच्चों क्लास को ना आप लोग शेयर कर दीजिए। ये क्या आ गया यहाँ पर, हट नहीं रहा है मेरे। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, तो ठीक है। जल्दी जल्दी से ना आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से फटाफट से प्यारे बच्चों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। हम क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। भाई ये क्या हो गया? चलिए हो गया प्यारे बच्चों शेयर, आप लोग कर दिए। जल्दी जल्दी से एक बार बता दीजिए तो, हाँ सर शेयर हो गया। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से ना आप हमें बता दीजिए कि हाँ सर शेयर हो गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों हम क्लास को यहीं से क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। परंपरा का मूल्यांकन प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में ना हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है परंपरा का मूल्यांकन, यानी कि साहित्य। ठीक है ना? तो चलिए, इस चैप्टर के लेखक कौन है फटाफट से बताइए। इस चैप्टर के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है, याद रखिएगा। इस चैप्टर के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं ना, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, जिसमें आज हम आप लोगों को लेखक परिचय पढ़ाएंगे और इस कहानी को पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है ना? अगली क्लास में प्रश्न उत्तर भी करवा देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे मिलकर के। हो गया शेयर? तो उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, वो बस सभी बच्चे टॉपर बैच में जुड़ जाएं। क्योंकि अगर आप लोग मैट्रिक का एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम नोट्स के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ, टेस्ट दे करके तैयारी करें, तो फिर प्यारे बच्चों ये टॉपर बैच आपके लिए पर्याप्त है, जहां पर जुड़ करके आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जुड़ने के लिए दो हेल्पलाइन नंबर है, किसी पर भी कॉल करके आप लोग कोई भी जानकारी ले लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो वो दूर हो जाए। ठीक है, चलिए बताइए कितना बार हम बोले होंगे कि बाबू रे आप लोग शेयर कर दीजिए, लेकिन आप लोग तो नहीं किए, लाइक तक बच्चे नहीं किए हैं। लाइक देखिए ना, लगभग दुगने बच्चे जुड़े हुए हैं और लाइक 50%। क्या 50% डिस्काउंट चल रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रामविलास शर्मा के बारे में। यही है प्यारे बच्चों रामविलास शर्मा, जिनका चित्र आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, है ना?
यही हैं आपके रामविलास शर्मा जी, जिनका चित्र आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा आपको पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं एकदम प्यारे बच्चों, गौर से इस चैप्टर को देखिएगा और गौर से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, अपने आप में एक निबंध है प्यारे बच्चों, निबंध, समझ गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विद्या है, तो जवाब दीजिएगा कि यह एक निबंध है, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विद्या है, तो कहिएगा कि सर निबंध है। तो चैप्टर का नाम आप लोग को पता है, परंपरा का मूल्यांकन। इस चैप्टर के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव नामक जगह पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीए और एमए के बारे में बता दें कि बीए 1932 में किए थे और एमए किए थे 1934 में। कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। पेशे से यह एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। सोचिए बात को, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे लेकिन पढ़ना है कहां? हिंदी में। यानी कि अंग्रेजी के प्रोफेसर थे लेकिन बाद में आकर के हिंदी में भी अपना कविता, अपना कहानी, निबंध जो भी है ये लिखना शुरू कर दिए थे। तो पेशे से यह एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे लेकिन दिल से हिंदी के प्रकांड पंडित थे। मतलब काम करते थे अंग्रेजी का, प्रोफेसर बन गए अंग्रेजी का, लेकिन दिल में बसता था हिंदी, ठीक है ना, दिल में बसता था हिंदी। इसी को कहते हैं कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना, समझ गए ना। निगाहें कहीं और पर था, निगाहें था अंग्रेजी पर, बन गए क्या? हिंदी के प्रकांड विद्वान, समझ गए ना। चलिए, वो एक इतिहास वेता भी थे प्यारे बच्चों, आलोचक भी थे, ठीक है ना। इनका मृत्यु हो जाता है 30 मई 2000 को दिल्ली में, इनका मृत्यु हो गया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, और इनको ना साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और सोच लीजिए कि जिनको भी, मतलब जिस कवि को भी, जिस लेखक को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है ना, कहा जाता है कि वो कवि सर्वश्रेष्ठ है भाई, वो कवि बढ़िया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कवि के क्षेत्र में बहुत बढ़िया पुरस्कार माना जाता है, समझ गए ना। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। जब ये लिखे थे निराला की साहित्य साधना, पहला नंबर ध्यान रखिएगा, निराला की साहित्य साधना, जब ये निराला की साहित्य साधना लिखे तो निराला की साहित्य साधना पर इनको क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे ये काव्य की रचना किए, गद्य की रचना किए, निबंध की रचना किए, कहानी भी लिखे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, प्रेमचंद्र और उनका युग हो गया, भाषा और समाज हो गया, भारत में भाषा समस्या हो गया, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण हो गया, विराम चिन्ह हो गया, बड़े भाई, ये सब प्यारे बच्चों इनके कुछ क्या है? महत्वपूर्ण लेख हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है निराला की साहित्य साधना। ये बार बार आपका पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है। तो निराला की साहित्य साधना आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, समझ गए ना, एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ताकि प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से आप लोग परीक्षा में लिख सके, समझ गए ना। हाँ, अरे भाई कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान चीज है, अगर आप समझेंगे ना तो आसान। देखिए, व्यक्ति ना किसी भी चीज को अगर हार्ड मान ले, अगर ये सोच ले कि बहुत कठिन है मेरे भाई, हमसे ना हो पाएगा, हम प्रणाम करते हैं दूर से, तो वो उससे कभी नहीं होगा, समझ गए। अगर मस्तिष्क में ये बैठ गया कि हमसे हो ही नहीं पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, हम आपको एकदम लिखित गारंटी देते हैं। आप लोगों को प्यारे बच्चों पता है ना कि एक भैंस गाय जो भी मान लीजिए, बैल मान लीजिए, भैंसा मान लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, मतलब एक जानवर हम कहते हैं, एक जानवर को हम बचपन से क्या करते हैं, एक पतले रस्सी में बांध करके रखते हैं। एक जानवर को हम उसके बचपन से ही पतले रस्सी में बांध करके रखते हैं, और जब वो जानवर बहुत बड़ा हो जाता है, जब वो जानवर एकदम विशाल हो जाता है, फिर भी हम उसको उतने ही पतले रस्सी में बांधते हैं और वो आराम से बंधे हुए रहता है, जहां पर बांध दिए एकदम खड़ा है चुपचाप, जबकि उस भैंस के पास इतना पावर है कि वो उस रस्सी को तोड़ करके भाग सकता है, समझ गए ना। उस भैंस के पास इतना पावर है, उस जानवर के पास इतना पावर है कि वो अगर इतना मोटा भी रस्सी रहेगा ना तो उसको भी तोड़ करके आराम से वो भाग सकता है, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में बंधा हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम तो भाई बंधे हुए हैं,
हम तो भाग ही नहीं सकते हैं, समझ गए ना, उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम तो भाई भाग ही नहीं सकते हैं, हम तो एकदम बंधे हुए हैं। जिस दिन उसके दिमाग से ये निकल गया ना कि हम बंधे हुए नहीं हैं, हम आजाद हैं, तो वो रस्सी तोड़ करके भाग जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि दिमाग से ही सब कुछ होता है। अगर मेंटली रूप से प्रिपेयर हैं कि हाँ हमें ये चीज हो जाएगा तो आप कर लेंगे उस चीज को, अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो नहीं होगा। प्यारे बच्चों, एक रूम में अगर 10 खरगोश को छोड़ दिया जाए और आपको बोला जाए कि भाई इसमें से एक खरगोश को पकड़ो, आप तब तक उसको नहीं पकड़ पाएंगे ना। या फिर अगर आप उस 10 खरगोश में से एक खरगोश को पकड़ना चाहेंगे ना, तो हो सकता है कि आप 10 खरगोश के पीछे भागेंगे। कभी ये हाथ में आने वाला होगा छूट जाएगा, कभी ये हाथ में आने वाला होगा छूट जाएगा, कभी वो हाथ में आने वाला होगा छूट जाएगा। लेकिन उस 10 खरगोश में से 9 खरगोश को आप एकदम साइड कर दो, एक खरगोश पर अपना नगर टिका लो कि हमें इसी खरगोश को पकड़ना है, और उस खरगोश के पीछे लग जाओ, वो खरगोश ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएगा। समझ गए ना। तो हमेशा टारगेट एक रखो प्यारे बच्चों, अनेकों टारगेट मत रखो, समझ गए ना। अनेकों टारगेट रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो टारगेट एक रखो, लक्ष्य एक रखो, और उस लक्ष्य पर अपना दिन रात एक कर दो, फिर देखिए सफलता कैसे तुम्हारे पास आती है। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। और इतिहास का पीडीएफ हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जी, इतिहास का पीडीएफ हम दे दिए हैं, ठीक है ना, क्या भारत में राष्ट्रवाद वाला। चलिए प्यारे बच्चों, हम ना किताब से थोड़ा आज पढ़ लेते हैं। किताब से पढ़ने का ना एक अलग मजा ही होता है मेरे भाई, किताब से पढ़ने का मजा ही एक अलग होता है। तो किताब से पढ़ना और पढ़ाना दोनों हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए लेखक परिचय के बारे में भी ना हम किताब से ही थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहां में हुआ था? उन्नाव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्च गांव सानी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कहां हुआ था? तो उन्नाव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्च गांव सानी में हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। आप लोग अगर किताब निकाले हुए हैं तो अपना किताब बंद कर लीजिएगा, समझ गए, अपना किताब बंद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर खोले हुए हैं तो अच्छी बात है, खोले हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर बंद करने की इच्छा हो तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा, किताब ही से हम पढ़ा रहे हैं। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किया तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अंग्रेजी साहित्य में वो एमए किए तब जाकर के वो प्रोफेसर बने थे। उसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में क्या किया था, बीए का एग्जाम दिया था, ठीक है। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक, एमए करने के बाद 1934, देखिए 1934 ईस्वी में एमए किए और 1934 से 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे, शोध करते रहे, मतलब खोजबीन करते रहे कि हमें क्या करें क्या नहीं करें, और शोध करते रहे, शोध मतलब समझते हैं ना। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया, यानी कि अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर का कार्य किया, अंग्रेजी के प्रोफेसर, समझ गए, समझ गए ना। इसके बाद वो आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले आए और 1971 ईस्वी तक यहां अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के क्या, देख लीजिए, कुलपति के अनुरोध पर वो केएम हिंदी संस्थान के निदेशक बने, यानी कि शुरुआत में तो वो अंग्रेजी के प्रोफेसर बने थे लेकिन बाद में वो हिंदी के भी निदेशक बने, यानी कि उनके दिल में हिंदी बसता था। भले वो एमए कर लिए थे अंग्रेजी से तो अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन उनके दिल में हिंदी बसता था और वो प्यारे बच्चों हिंदी ही क्या, हिंदी के निदेशक अंततः बन गए, समझ गए ना। और जब वो हिंदी के निदेशक बने तो यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त भी हुए। सेवानिवृत्त कहने का मतलब होता है रिटायरमेंट, समझ गए ना, रिटायर होना। तो ये सेवानिवृत्त मतलब जानते हैं ना, सेवानिवृत्त मतलब याद रखिएगा रिटायर होना, समझ गए। यानी कि 1974 ईस्वी में वो रिटायर हो गए थे हिंदी साहित्य के निदेशक के तौर पर। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन हो गया 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में, यानी कि हाल फिलहाल में ही उनका निधन हुआ है, 22-23 वर्ष पहले, समझ गए। समझ में आया ना, समझ में आ गया। तो वो 30 मई 2000, ये सब जो ईस्वी सन है ना, बाकी सब ईस्वी सन को आप याद मत रखिएगा, बाकी सब ईस्वी के चक्कर में मत पड़िएगा, सिर्फ जन्म कब हुआ उसका आप यार याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो सिर्फ जन्म का और सिर्फ मृत्यु का, ये दो बस प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, दो ही में काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना।
हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। कह रहा है कि तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। ये सब कोई काम का चीज नहीं है जी, आपके परीक्षा के लिए, आपके परीक्षा के लिए ना यहाँ पर आ जाइए तो आपके काम का चीज मिलेगा। देखिए यहाँ पर आ जाइए, उन्हें यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे, देखिए रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर, अभी हम आपको बताए थे ना, निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर कौन सा अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी अन्य प्रमुख रचना भी है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हिंदी आलोचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रेमचंद्र और उसका युग है, भाषा और समाज है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है, भारत की भाषा समस्या है, नई कविता और अस्तित्ववाद है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी है, विराम चिन्ह है, बड़े भाई, ये सब ना इनका लिखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण निराला की साहित्य साधना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कभी कभी पूछ देता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किनका लिखा गया है, तो ये रामविलास शर्मा का लिखा गया है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग लेख का नाम, इनके द्वारा कौन कौन सा रचना किया गया है, ये प्यारे बच्चों आप लोग याद रखते हैं ना, तो आप अच्छे तरीके से सब कुछ याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ना इस चैप्टर के बारे में यहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है कि पाठ के रूप में यहां रामविलास जी का एक निबंध प्रस्तुत है, यानी कि इस चैप्टर में, ये जो हमें चैप्टर पढ़ना है परंपरा का मूल्यांकन, यहां पर रामविलास शर्मा जी का एक निबंध जो है वो प्रस्तुत है। परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ क्या है, संकलित है। यानी कि यह जो निबंध है ना, इसी नाम की पुस्तक से के साथ भी प्यारे बच्चों क्या है, संकलित है। यह निबंध समाज साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। यह निबंध जो है वो समाज और साहित्य दोनों के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। परंपरा के ज्ञान समक्ष और मूल्यांकन का विवेक जगाता या निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये समाज के और साहित्य के दोनों के बीच में परस्पर एक संबंध क्रिएट करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब चलिए हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। अब चलिए प्यारे बच्चों सीधे हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाते हैं और चैप्टर पर आकर के समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है ना, परंपरा का मूल्यांकन। हाँ जी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग चैप्टर समझ गए फिर क्वेश्चन आंसर इसका एकदम आसान से याद हो जाएगा, नहीं तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रटते रहिएगा और आपको कहियो नहीं याद होगा, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग रटते रहिएगा, आप लोग को याद नहीं होगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर के इसको समझ लीजिएगा। अगर समझ लिए ना तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्यारे बच्चों, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़ करके क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान क्या है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। यानी कि इस चैप्टर में ये लेखक जो हैं, ये कवि जो हैं, यानी कि निबंध लिखने वाले को तो ऐसे हम निबंधकार कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ना लेखक या फिर हम लेखक ही यूज करेंगे। ठीक है, आप निबंधकार समझ लीजिएगा, हम बार बार निबंधकार ना बोल करके लेखक ही बोलेंगे। ठीक है ना, तो लेखक मतलब होता है लिखने वाला। तो इस कवि के जो इस चैप्टर के जो लेखक है ना, वो कहते हैं कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन्हें साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। परंपरा का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि परंपरा हमारे देश में, हमारे साहित्य में किस तरीके से बदलता है, तो परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वो अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं।
यानी कह रहे हैं कि जो भी लोग समाज में वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वर्गहीन जहां पर ऊंच नीच वर्ग का कोई भेदभाव ना हो, और शोषण मुक्त मतलब जहां पर अमीरी गरीबी का जो शोषण ना किया जाता हो, समझ गए ना। तो अगर शोषण मुक्त और वर्गहीन समाज का अगर स्थापना करना चाहते हैं तो वो अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से क्या करते हैं, पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। कह रहे हैं कि जैसा आप जैसे वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज के बारे में इतिहास में आप लोग जानते हैं, तो जो चीज इतिहास में है ना वही चीज प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, आलोचना के लिए हिंदी साहित्य में मिलता है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। देखिए आलोचना मतलब होता है क्या, आलोचना मतलब क्या होता है, आलोचना मतलब हम बोलते हैं ना कि दूसरे को आलोचना कर रहे हैं, मतलब दूसरे का एक तरह से कह सकते हैं ना कि मजाक उड़ा सकते हैं, हम मजाक बोल सकते हैं कि मजाक बना रहा है। जैसे कोई हमारा मजाक बनाता है तो बोलते हैं ना कहे मजाक बना रहे हो भाई, या फिर अगर कोई आलोचना करता है तो बोलते हैं कि हमारा आलोचना कर रहा है, तो दोनों शब्द एक ही हुआ, समझ गए। कह रहे हैं कि प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से ही साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है, और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। यानी कह रहे हैं कि साहित्य के बारे में जानना, अपने सिद्धांतों को बारे में जानना, ये प्यारे बच्चों क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है अगर कोई साहित्य में कुछ बदलाव करना चाहता है तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे कहते हैं कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के लिए विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है। कह रहे हैं ये रामविलास शर्मा, ठीक है ना, रामविलास शर्मा, ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है। मतलब कह रहा है कि अगर आप साहित्य की परंपरा का एक सही अर्थ में मूल्यांकन करना चाहते हैं, साहित्य की परंपरा का एक अच्छे से मूल्यांकन, एक सटीक मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता का क्या महत्व है, क्या हित का है, उसे प्यारे बच्चों क्या करना होगा, पहले आपको मूल्यांकित करना होगा। उनके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, समझ गए ना, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहां तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे ही परख करके देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या हासमान वर्ग का। देखिए पहले के जो कवि होते थे ना, पहले के जो लेखक होते थे, वो दो तरीके, एक तो आपको पता होगा कि राजा महाराजा के घर में रहते थे लिखने वाले भी, राजा महाराजा के घर में लिखने वाले रहते थे, लेखक रहते थे, कवि रहते थे, राजा महाराजा अपने साथ में ना लेखक और कवियों को रखता था। तो जाहिर सी बात है कि अगर राजा महाराजा के अधीन में कोई लेखक है, कोई कवि है, तो वो राजा के बारे में बड़ाई लिखेगा कि बुराई लिखेगा, बताइए, राजा के, वो राजा का ही ना तारीफ करेगा। तो यहाँ पर लेखक वही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि आखिर जो साहित्य लिखा गया, जो लेख लिखा गया, वो कैसे लिखा गया। एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने वाले, एक शोषक मुक्त समाज की स्थापना करने वालों के द्वारा लिखा गया है, या फिर एक राजा के महल में रहने वालों के द्वारा लिखा गया है। और अगर राजा के महल में रहने वालों के द्वारा लिखा गया है तो वो साहित्य का सही मूल्य नहीं होगा, क्योंकि वो तो किसी के अधीन में रह करके लिखा गया है ना। तो ये प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखते हैं, ठीक है ना, जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है। संपत्तिशाली मतलब क्या होता है, वही राजा महाराजा जिसके पास ढेर सारा संपत्ति हो, समझ गए ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। जहां पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर के खड़े हों। कह रहे हैं कि जो संपत्तिशाली वर्ग होते हैं, मतलब जिनके पास ढेर सारा संपत्ति होता है, और एक संपत्तिहीन वर्ग, संपत्तिहीन वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, जिनके पास संपत्ति नहीं हो, जो संपत्ति से हीन हो उसे कहते हैं संपत्तिहीन, और हीन मतलब होता है नहीं, मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं हो उसे संपत्तिहीन वर्ग कहते हैं।
तो कह रहे हैं कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर के खड़े हुए हो, समझ गए? एक राजा यानी कि एक पैसा वाला और एक गरीब, दोनों आपस के सामने ना एक दूसरे का विरोधी ही होते हैं, समझ गए ना? जो राजा होता है जिसके पास पैसा होता है ना, वो गरीब को देखना तक नहीं पसंद करता है। तो ये कह रहे हैं पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आगे हम आपको बताते हैं, आगे कह रहा है कि आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। कह रहे हैं कि समाजवादी और व्यवस्था में और पूंजीवादी व्यवस्था में दोनों में ज्यादा का फर्क नहीं। अच्छा, समाजवादी हम आपको बताएं और पूंजीवादी क्या होता है। अगर पूंजीवादी और समाजवादी कहने का, अगर पूंजीवादी प्यारे बच्चों हम एक शब्द में आपसे पूछे कि बताओ पूंजीवादी क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए तो जल्दी से एक बार। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ मेरे शेरों पूंजीवादी मतलब क्या होता है, एक एक शब्द में बताना है, आप सीधे कहेंगे कि सर पूंजीवादी मतलब प्राइवेट, पूंजीवादी मतलब प्राइवेट, जहां पर अपने फायदे के लिए ध्यान दिया जाता है उसे पूंजीवादी कहते हैं, और समाजवादी मतलब जो समाज के लिए ध्यान दिया जाता हो, मतलब जहां पर अपने फायदे का बात नहीं सोचा जाता हो उसे कहते हैं समाजवादी। समझ गए ना? आपको हम इतिहास में पढ़ाए थे। तो वही कह रहे हैं कि सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों में बंधा हुआ नहीं रहता है। कह रहे हैं कि कुछ लेख ऐसे भी हैं जो संपत्तिशाली वर्ग के अधीन में आता है, जो कि संपत्तिशाली के देखरेख में किया गया, लेकिन टोटल प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। जितना भी लेख लिखा गया है वो सब संपत्तिशाली वर्ग के देखरेख में नहीं लिखा गया है। ये साफ तौर से कह रहे हैं कि इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता है। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में, कह रहे हैं कि साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और इसका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हित में किया था। पहली बार जब बिजली का आविष्कार हुआ था ना, तो पूंजीपति लोग इसका आविष्कार क्या करते थे, ज्यादातर उपयोग करते थे। तो इसलिए रामविलास शर्मा जी लिख रहे हैं, देखिए रामविलास शर्मा का जो लेख है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होता है, अगर आप गौर से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। खुद से आप पढ़ करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि क्या लिखा गया है, जो मन में आया है जो उठा करके लिख दिए हैं, यही ना लग रहा होगा आप लोगों को पढ़ के। लेकिन प्यारे बच्चों ये चैप्टर है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी रूप में भी अपना जीवन बिताता है। कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, वो सिर्फ आर्थिक जीवन में ही अपना जिंदगी नहीं बिताता, मतलब सिर्फ पैसा कमाने में ही अपना जिंदगी नहीं बिताता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने के लिए जीता है बताइए? तो कह रहे हैं कि आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन मतलब क्या होता है, पैसा कमाना। तो क्या कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीता है? नहीं ना, कुछ और भी मकसद है उसका जीने का। तो कह रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है, एक मनुष्य के रूप में भी जीवन बिताता है कि भाई हमारा जन्म हुआ है मनुष्य जाति में तो हम मनुष्य जाति का सदुपयोग करें। जिंदगी भर हम पैसे के पीछे नहीं भागते रहे ना, तो पता चलेगा कि पैसा के पीछे जिंदगी भर भागते रहे और पैसा ऊपर कहाँ रह गया, वहीं रह गया, समझ गए ना? तो ये चीज ध्यान देना है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने से कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं, उसकी व्यंजितें होती है। साहित्य का एक पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है, मतलब मुख्य रूप से ये साहित्य के बारे में बात करते हैं कि साहित्य जो होता है वो सिर्फ, उसका एक मकसद नहीं होता है मनुष्य के जीवन की तरह, साहित्य का सिर्फ एक मकसद नहीं होता है मनुष्य के जीवन की तरह, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत क्या होता है, अस्थाई होता है, मतलब कि जो अपने मकसद से हट करके, जैसे मान लिया जाए कि हम सिर्फ अपने जिंदगी को पैसा कमाने के लिए बना देंगे कि भाई हमारा जिंदगी ही हुआ है पैसा कमाने के लिए, तो क्या हम कभी भी सुख भोग पाएंगे? कभी नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि जिंदगी भर तो पैसा के पीछे भागेंगे और एक दिन टे बोल करके चले जाएंगे, समझ गए ना? तो वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ पैसा के पीछे नहीं भागता है ना, वो ज्यादा सुख प्राप्त करता है। वैसे ही जो साहित्य है
वैसे ही प्यारे बच्चों क्या है, साहित्य है। तो साहित्य सिर्फ विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध होता है, मतलब मनुष्य उसे क्या करता है, महसूस करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। समझ गए ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। साहित्य में आगे कह रहा है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। समझ गए, मतलब कह रहे हैं कि साहित्य में ना आज लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, साहित्य में लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं जैसे लोग समाज में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप अगल बगल, आप अपने अगल बगल में सोचिए, जरा हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कविता कहानी लिखने का काम करते हैं अगल बगल में अपने 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में, बताइए जहां पर भी आपका घर है वहां पर बताइए, क्या कोई नौकरी के रूप में यह काम करता है कि साहित्य लिखता हो, कविता कहानी लिखता हो, जरा बताइए आप एक भी व्यक्ति का नाम बताइए कि हाँ सर हमारे बगल में एक व्यक्ति है जो साहित्य लिखने का काम करता है, बताइए। नहीं ना, बहुत कम प्यारे बच्चों, बहुत कम, मोबाइल पर आपको देखने के लिए मिलेगा खाली कि हाँ भाई ये लेखक हैं, ये कवि हैं, वरना अगल बगल में तो कोई ये नौकरी नहीं करना चाहता है। समझ गए ना, कोई साहित्य की रचना नहीं करता है। तो यही कह रहे हैं कि साहित्य में लोग ना विकास नहीं करना चाहता है, साहित्य में लोग आगे नहीं बढ़ना चाहता है, साहित्य में लोग विकास नहीं करना चाहता है जैसे लोग समाज में विकास नहीं करना चाहता है। तो जिस तरीके से लोग समाज में विकास नहीं करता उसी तरीके से साहित्य में भी लोग विकास करना नहीं चाहता है, साहित्य जहां है वहीं पर छोड़ दो। समझ गए ना, तो कह रहे हैं कि साहित्य में विकास प्रक्रिया एकदम उसी तरह है जैसे प्यारे बच्चों समाज में। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है। देखिए ना, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे ना तो आपको ये वाला चैप्टर समझने में आसानी होगा। क्या कह रहे हैं कि विकास के क्रम में सामंती सभ्यता, सामंती व्यवस्था हम आपको बताए थे कहां पर इतिहास में, तो कह रहे हैं कि सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता क्या है, अधिक प्रगतिशील है। यानी कि सामंती व्यवस्था से ज्यादा विकास किसका हो रहा है, सामंती व्यवस्था से ज्यादा विकास हो रहा है किसका, पूंजीवादी का। और पूंजीवादी से ज्यादा विकास किसका हो रहा है, तो पूंजीवादी से ज्यादा विकास हो रहा है समाजवादी सभ्यता का। पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। कह रहे हैं कि आजकल मशीनों का युग हो गया है, पहले जब पुराना क्या चरखा था तो लोग चरखा चला करके कपड़ा बनाते थे, जितना देर में एक कपड़ा बनाते थे उतना देर में अभी 1,000 कपड़ा, 1,00,000 कपड़ा बन जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अब क्या है, श्रम की उत्पादकता क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। समझ गए, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मशीन के आ जाने से उत्पादकता बढ़ गया है उस प्रकार से साहित्य में नहीं है, साहित्य में समाजवादी कवि से, समाजवादी कवि मतलब जो लोगों के लिए कविता लिखता हो, जो स्वतंत्र होकर के कविता लिखता हो, वो ज्यादा बढ़िया होगा, ना कि वो जो कि पूंजीपतियों के यहाँ काम करता है, पूंजी मतलब कि जो पूंजित मतलब जिसके पास पैसा हो राजा महाराजा के अधीन में रह करके जो कविता लिखा है ना, वो प्यारे बच्चों अच्छा नहीं लिख सकता है। इसलिए लिख रहे हैं कि यह आवश्यक नहीं कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि ही बढ़िया हो, श्रेष्ठ हो। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। देख रहे हैं ना, जैसे अभी आप लोग एक चीज देखते होंगे, मीडिया वाला को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है ना जी, कि पत्रकार क्या है, मीडिया क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन आजकल आप लोग स्वतंत्र रूप से देखते हैं कि मीडिया क्या हो गया है, बिकाऊ हो गया है। समझ गए ना, आजकल मीडिया चौथा स्तंभ नहीं रहा, बिकाऊ हो गया है। समझ गए, पैसा दीजिए आपके बारे में छाप देगा, पैसा दीजिए आपके बारे में बढ़िया चीज छाप देगा। समझ गए ना, हो गया है ना, यही चीज हो गया है। तो वही चीज कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, जो टोटल कवि है ना वो बिकाऊ नहीं होता है, पैसा लेकर के कविता लिखने वाला टोटल नहीं होता है। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं।
ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वो उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। यानी कि जो नए नए कवि हैं ना, वो पहले के कवियों से सीखते तो जरूर हैं, लेकिन अपना नया परंपरा का जन्म देते हैं, अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है। अधम कोटि मतलब होता है खराब कोटि का। अगर आप नकल करके लिख लेंगे तो क्या बढ़िया लिखाएगा? नहीं ना। तो यही कह रहे हैं कि अगर आप साहित्य का रचना नकल करके कर भी लेते हैं, जिनको बढ़िया से लिखने नहीं आता है और नकल करके साहित्य लिख ले रहे हैं, तो वो अधम कोटि का होता है, मतलब वो निचले क्वालिटी का होता है, वो बढ़िया नहीं होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार है उसकी जो कला की आवृत्ति है वो नहीं हो सकती है। जो महान साहित्यकार है उसकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहां तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता है। और क्या कर रहा है? औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा क्या होता है, अंतर होता है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीजों का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसा होता है जिसका निर्माण दोबारा नहीं हो सकता है, समझ गए ना। उसी प्रकार से साहित्य है कि साहित्य जो एक बार लिखा जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसका कितनों नकल कर ले वो ऐसा नहीं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो हम अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई आदमी आएगा और कहेगा कि हम सेम टू सेम एकदम प्रिंस सर के जैसा पढ़ा देंगे, क्या कभी संभव है? चाहे तो वो हमसे बढ़िया पढ़ाएगा, चाहे वो हमसे खराब पढ़ाएगा, यही ना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आकर के कहे कि हम प्रिंस सर का एकदम नकल कर देंगे, एकदम उन्हीं के जैसा पढ़ा देंगे, जैसे वो पढ़ाते हैं वैसे हम पढ़ा देंगे, तो क्या यह संभव होगा? नहीं होगा। या तो वो हमसे बढ़िया पढ़ाएंगे या तो वो हमसे खराब पढ़ाएंगे, यही ना हो सकता है। उसी प्रकार से साहित्य में है। यहां पर रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि साहित्य में नकल नहीं करना चाहिए। नकल आप करके अगर साहित्य लिखते हैं तो वो उधम कोटि का होता है, मतलब खराब होता है, समझ गए ना। तो इसलिए साहित्य का रचना कभी भी नकल करके दूसरों का देख करके नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका एटम बम बना दिया, या अमेरिका क्या कर दिया, परमाणु बम बना दिया, समझ गए ना। अमेरिका क्या कर दिया, परमाणु बम बना दिया, तो रूस ने भी परमाणु बम बनाया, भारत भी परमाणु बम बना दिया, चाइना वाला भी परमाणु बम बना दिया, सब देश मिलकर के परमाणु बम बना दिया। लेकिन जो शेक्सपियर का नाटक है, प्यारे बच्चों, शेक्सपियर का जो नाटक है, क्या शेक्सपियर का नाटक कोई दोबारा आ जाकर के इंग्लैंड में कर देगा? कोई दोबारा शेक्सपियर का नाटक कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो कुछ चीजें ऐसा है ना जिसको लोग कॉपी चाह करके भी नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या कहते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। आगे कह रहे हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों में प्रभावित होना एक बात है, उसके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और दूसरी बात है। भौतिकवाद का अर्थ है भाग्यवाद, सॉरी भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यता निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस लाइन को समझिएगा, इस लाइन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सारे बच्चे लिखने में लगे हुए हैं कि नहीं सर, सब लोग आपसे खराब ही पढ़ाएंगे। अरे ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी रहे जो हमसे भी बढ़िया पढ़ाते हैं। हम कहाँ कहते हैं कि हम ही तोप हैं, बाकी सब तो भाई पुटपुटिया हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हो सकता है कि हमसे भी पढ़ाने वाले बहुत ज्यादा हों अच्छे, समझ गए ना। देखिएगा, कह रहे हैं कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप परिस्थितियों के भरोसे बैठे रहेंगे तो परिस्थिति भी आपके भरोसे हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा। जैसे मान लिया जाए अभी हम इस कमरे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर एक इस प्रकार से सोचिए, अभी इस कमरे में ना एक विद्यार्थी बैठा हुआ है और विद्यार्थी आराम से किताब निकाल करके पढ़ रहा है, ठीक है, किताब निकाल कर वो पढ़ रहा है। अभी लाइन एकाएक कट जाए, अभी लाइट चला जाए, समझ गए ना, वो व्यक्ति ना किताब मोड़ करके आराम से टेबल पर रख देगा कि चलो भाई किताब मोड़ करके रख दिए, क्योंकि लाइट कट गया, अब लाइट आएगा तब ना पढ़ेंगे। तो ये हो गया परिस्थिति के अनुसार, समझ गए ना, ये हो गया परिस्थिति। आप भाई एकदम उसके नियामक हैं, समझ गए ना, एकदम परिस्थिति पर ढल गए हैं। लाइन कट गया तो किताब मोड़ करके रख दिया कि लाइन आएगा तब ना पढ़ेंगे। ये भी तो हो सकता था कि अगर कमरे में लाइन कट गया तो हम बाहर धूप में चले जाएं और कहीं पर बाहर में जाकर के आराम से पढ़ाई कर लें। बाहर में तो लाइट है ना भाई, बाहर में तो सूर्य का प्रकाश है,
समझ गए ना। तो अगर बाहर में चले जाते तो आपका पढ़ाई नहीं रुकता, पढ़ाई रुक गया, लेकिन आपको पढ़ने का इच्छा नहीं है तो किताब बंद कर लिए कि लाइन कट गया तो हम पढ़े नहीं करेंगे, समझ गए ना। तो वही यहां पर लिख रहे हैं कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का जो संबंध है ना द्वंद्वात्मक है, और यही कारण है कि साहित्य अपेक्ष रूप में क्या होता है, स्वाधीन होता है। स्वाधीन मतलब आजाद होता है, समझ गए ना। सापेक्ष क्या होता है, आजाद होता है। शेक्सपियर का नाटक, प्यारे बच्चों शेक्सपियर इंग्लैंड का रहने वाला था। शेक्सपियर के बारे में आप लोगों को शायद अंग्रेजी के किताब में पढ़ना है, समझ गए ना, अंग्रेजी के किताब में 10th में या 12th में पढ़ना ये पता नहीं है। शेक्सपियर एक कवि है, समझ गए ना, शेक्सपियर भी एक राइटर है, लेखक है, समझ गए। और वो प्यारे बच्चों नाटक भी करते थे, समझ गए ना, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे तो वो इस तरीके का नाटक करते थे ना कि उनके बारे में मत पूछो। जैसे आप माइकल जैक्सन को जानते होंगे, माइकल जैक्सन को आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्या कोई माइकल जैक्सन के जैसा डांस कर सकता है? नहीं प्यारे बच्चों। उसके जैसा स्फूर्ति आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो किसी का कोई नकल नहीं कर सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, जरा हम लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इसकी सामंत दुनिया से महान कवि के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। कह रहे हैं कि सामंतवाद दुनिया में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। यानी कह रहे हैं कि जब से सामंतवाद था, सामंतवाद मतलब सोची रहे ना सामंतवाद कब था, हम लोग इतिहास में सामंतवाद पढ़ते हैं, तो जब से सामंतवाद था तो मुख्य रूप से साहित्य का दो ही केंद्र बिंदु था। साहित्य या तो भारत में था या तो ईरान में था, समझ गए ना। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्डो और दाविंजी और माइकल एंजेलो इटली के ही देन है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि राफेल, लियोनार्डो, दाविंजी और माइकल एंजेलो किसकी देन है, तो ये इटली की देन है प्यारे बच्चों। यहाँ हम एक और यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है, तो दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता है। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्यों की भूमिका क्या है, निर्णायक है। यानी कि साहित्य के विकास में वैसे लोग ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं, समझ गए ना। साहित्य के विकास में वैसे लोग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो कि क्या है, प्रतिभाशाली हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही अच्छा होता है। कभी ऐसा होता है कि मनुष्य जो काम कर दिया सब अच्छा ही अच्छा है? किसी का मर्डर कर दिया तो वो अच्छा है, नहीं ना, बताइए। तो मनुष्य जो काम करता है वह अच्छा ही होगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, या उसके श्रेष्ठ कर्तव्य में दोष नहीं होते। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य में सिर्फ गुण ही नहीं रह सकता है, अवगुण भी होता है, मनुष्य में सिर्फ गुण ही नहीं होता बल्कि दोष भी होता है, अवगुण भी होता है, उसी प्रकार से जो कला होता है, जो आर्ट होता है, वह पूर्णतः निर्दोष है, एकदम अच्छा ही है, यह भी संभव नहीं है। हो सकता है कि वो खराब भी रहे। ऐसी कला क्या होती है, निर्जीव होती है। इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। यानी कह रहे हैं कि जो मनुष्य हैं, जो प्रतिभाशाली मनुष्य होते हैं ना, वो कुछ अलग और कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे आप में से ही बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सोचते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, भाई कैसे करें कि एकदम अलग हट करके हम पढ़ाई करें, कैसे करें कि दुनिया के भीड़ से हम अलग निकल जाएं, कैसे करें कि 15 लाख बच्चा में से हम अकेले निकल जाएं, होता है ना ऐसा। तो जो लोग अलग करने का प्रयास करते हैं ना, वही असली में प्रतिभाशाली होते हैं, समझ गए। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि प्रतिभा की साली होते हैं, प्रतिभाशाली मतलब अलग बात है, समझ गए ना, ये बात ध्यान रखिएगा। किंतु जो लोग सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। कह रहे हैं कि जो लोग जिस चीज का सबसे ज्यादा निंदा करते हैं ना, वो उस चीज का सबसे ज्यादा प्रचार भी करते हैं, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि आज कोई व्यक्ति आ जाए और हमारा निंदा करना शुरू कर दे, हमारा बुराई करना शुरू कर दे, और जो व्यक्ति हमारे बारे में नहीं जानता है उसके पास भी जाकर के हमारा बुराई करे, तो बताइए कि सिर्फ हमारा बुराई ही होगा कि प्रचार भी होगा। जिस व्यक्ति को हमारे बारे में जानकारी नहीं होगा, वो भी व्यक्ति हमारे बारे में जान जाएगा, समझ गए ना। जिस व्यक्ति को हमारे बारे में जानकारी नहीं होगा, वो भी व्यक्ति जान जाएगा, चाहे हमारा बुराई ही क्यों ना हो। तो यही कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति पूजा की जितना निंदा करता है, वो ज्यादा पूजा का उतना ही प्रचार भी करता है,
समझ गए ना, यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिज्ञ का यह दावा और भी नहीं कह सकते हैं कि साहित्य के मूल राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि साहित्य के मूल राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है या कम अस्थायी है, तो आपको बताना होगा अधिक अस्थायी है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी कविता लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है। कहने का मतलब हुआ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कि उन्होंने कहा था कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विह्वल कर देती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कुछ भी चीज मिट सकता है, किसी व्यक्ति को हम मिटा सकते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, आज तो नहीं है दुनिया में, वो चले गए, रामधारी सिंह दिनकर तो चले गए, वो मर गए, समझ गए ना। कबीर दास, रसखान, गुरु नानक, ये सब चले गए ना, लेकिन क्या उनके द्वारा लिखा गया साहित्य भी चला गया? तुलसीदास, वाल्मीकि कब सतयुग में लिखे थे अपना रामायण, क्या उनके द्वारा लिखा गया साहित्य भी चला गया? नहीं ना। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति जा सकता है, व्यक्ति का अंत हो सकता है, किसी युग का अंत हो सकता है, लेकिन साहित्य का अंत कभी भी नहीं हो सकता है। समझ गए ना, साहित्य का अंत कभी भी नहीं हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं, कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नामलेवा और पानी देवा न रह जाएगा तब भी शेक्सपियर, मिल्टन और सोलिविल संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेंगे। कह रहे हैं कि साहित्य जो होता है ना, वो ऐसा चीज होता है कि जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जैसे कह रहे हैं कि अंग्रेज भारत में आए, भाई गुलाम बना लिए, भारत को अपना गुलाम बना लिए, यहां से खूब फायदा भी कमाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसका साम्राज्य का कोई न तो नाम लेवा रह जाएगा और न तो कोई पानी देवा रह जाएगा। पानी देवा मतलब समझते हैं ना, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है ना तो उसको पानी दिया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि जब किसी भी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसको पानी दिया जाता है, समझ गया ना, मुंह में पानी देता है ताकि उसका प्राण जल्दी से चला जाए। तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों का जो समाज क्या है, साम्राज्य है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि न तो उसका कोई नाम लेवा रह जाएगा, कोई नाम लेने वाला रह जाएगा, और न तो कोई पानी देने वाला रह जाएगा। तो ब्रिटिश का साम्राज्य चला जाएगा, लेकिन क्या शेक्सपियर, मिल्टन और सेली जैसे जो महान साहित्यकार हैं, क्या उनके द्वारा कविता भी लिखा गया चला जाएगा, उनके द्वारा साहित्य भी चला जाएगा? नहीं, वो साहित्य आज भी जगमगा रहा है, अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी जगमगाएगा और आने वाले समय में भी जगमगाएगा। यानी कि साहित्य का कभी भी खत्मा, साहित्य का कभी भी नाश नहीं हो सकता है। इनका बोलने का सीधा सीधा मतलब यही हुआ, ठीक है ना, यहां तक आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे क्या है प्यारे बच्चों, जरा देखिए ध्यान से। आगे ये कह रहे हैं कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका होती है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की बहुत भूमिका है, उसी प्रकार से जन समुदाय और जातियों की भी क्या है, विशेष भूमिका है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वो अन्य किसी जाति की नहीं है। यहां पर आपसे यह भी पूछा जाएगा परीक्षा में कि क्या यह भी पूछा जाएगा कि कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यूरोप के सांस्कृतिक विकास में यूनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उसकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था, आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं, 19वीं सदी में सेली और वायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानने में बड़ा परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश में इस तरह अपनी एकात्मकता पहचानी, इतिहास का प्रवाह भी ऐसा है कि वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदायों को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हुआ और है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, देखिए थोड़ा सा बंगाल इतिहास के बारे में चर्चा है, पहले हम आपको ये समझा लेते हैं। यहाँ पर इतिहास के बारे में चर्चा आया है कि इतिहास में जो घटना घट गया वो आज इतिहास में लिखा गया, तो वो जो इतिहास में लिखा गया वो प्यारे बच्चों सब दिन रहेगा, लोग उसे इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, समझ गए ना। जब जिस समय लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी पढ़ते हैं उसके बारे में। जैसे आपको हम इसके पहले देवनागरी चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें हम क्या बताए थे, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख, दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं, 8वीं 9वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है।
तो वो सब चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यही कह रहे हैं कि अगर हम लोग इतिहास भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें क्या होता है, अस्मिता का अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। बंगाल विभाजन हुआ, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों के बीच अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन जरूर हो गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, आपको हम इतिहास में कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं ना, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था ना, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजित हुआ था। तो कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन जरूर हो गया, लोग देश को बांट सकता है, किसी राज्य को बांट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो प्यारे बच्चों दिल है, उसके अंदर जो भावना है, क्या उसको भी कोई बांट सकता है, नहीं ना। इसलिए कह रहे हैं कि बंगाल जरूर विभाजित हो गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, लेकिन तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी जब तक कि साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, जब तक उन्हें साहित्य का ज्ञान रहेगा, जब तक साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, वो अपने मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, भले अंग्रेज उनको बांट दिया हो। समझ गए ना। कह रहे हैं कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात होता हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम, और यह न्यायिक भूमि के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। समझ गए। आगे है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र क्या है, बहुजातीय है, अनेक भाषा भाषी है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी थी। कह रहे हैं कि जिस समय ये जो हिटलर है वो सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, उस समय भी ये जो राष्ट्रीय अस्मिता है जनता के स्वाधीनता संग्राम के लिए एक शक्ति बनी थी, और सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को ऊंची थी महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। समझ गए ना। कह रहे हैं कि इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया था कि हमारा साहित्य क्या है, हमारा परंपरा क्या है। समझ गए ना। कौन, रूसी लोग, रूस वाले लोग। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। जारशाही, देखिए प्यारे बच्चों, इतिहास का चर्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जारशाही रूस। रूस में राजा को क्या कहा जाता है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रभाव भी क्या है, अविच्छिन्न है। जारशाही रूस के तोल्स्तोय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं, और जारशाही रूस के तोल्स्तोय सोवियत समाज में पढ़े वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रूस के लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, तो तोल्स्तोय हैं। ध्यान रखिएगा, रूस के सुविख्यात साहित्यकार कौन है, तो आपका जवाब होगा तोल्स्तोय हैं। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, वरन और पुष्ट हो जाती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ, और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसे वह 1917 से पहले नहीं थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां प्राधीन बनकर के रखी गई थी, उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं, वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी, 1917 की क्रांति, प्यारे बच्चों बताइए तो इसे किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, 1917 की क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, जरा जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, जरा जल्दी से बता दीजिए, 1917 की क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे कि सर बोल्शेविक क्रांति, कहेंगे ना, या फिर अक्टूबर की क्रांति कहेंगे ना, हैं? तो कह रहे हैं कि 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुई और अलग हो गई, कुछ विलंब से, कुछ दूसरे महायुद्ध से, कुछ पहले ही अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। यानी कह रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति के पहले सोवियत संघ में बहुत सारी जातियां क्या हुई, उसमें शामिल नहीं हुई, कुछ अलग हो गई, जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का विच्छित प्रवाह बहुत बड़ी निर्धारित शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। कहते हैं कि यूरोप के लोग कहते हैं कि यूरोपियन संस्कृति, हम भी आपको पढ़ाए थे यूरोप में यूनान के बारे में, प्यारे बच्चों पढ़ाए थे ना, यूनान के बारे में पढ़ाए थे। तो कह रहे हैं कि यूरोप जो है ना, वो संस्कृति की बात तो करता है, लेकिन यूरोप कभी भी एक देश नहीं बन पाया, एक राष्ट्र नहीं बन पाया, और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश
बहु जातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखते हैं, भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर और कह रहे हैं कि यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। कह रहे हैं कि किसी भी संस्कृति के निर्माण में वहां के कवियों का ना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय संस्कृति की आंतरिक एकता टूट जाएगी। कह रहे हैं कि साहित्य किसी भी देश को जोड़ करके रखता है। साहित्य जो है वो किसी भी देश को जोड़ करके रखता है। जैसे मान लिया जाए हमारे भारत देश का मुख्य जो साहित्य है वो क्या है, रामायण है और महाभारत है। हम लोग रामायण की पूजा करते हैं, महाभारत की पूजा करते हैं। अब ज्यादा देर प्यारे बच्चों नहीं, 10 मिनट का क्लास और चलेगा, बस थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कह रहे हैं कि अगर भारत देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को हटा दिया जाए तो क्या भारत की संस्कृति में एकता रहेगा? अगर भारत की संस्कृति जिस प्रकार से अगर किसी भी देश से अगर उसकी संस्कृति को हटा देना तो वहां एकता नहीं रहेगा। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल लीजिए ना कि अगर भारत से रामायण महाभारत को हटा दिया जाए, गीता को हटा दिया जाए, तो क्या यहाँ पर एकता रहेगा? नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। तो कभी भी साहित्य को हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी देश से, समझ गए? किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसे इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। वाल्मीकि रामायण आप लोग पढ़े होंगे ना, तो कह रहे हैं कि इस देश में जैसी भूमिका वाल्मीकि की रही है वैसा भूमिका और किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। कह रहे हैं कि किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस देश के लिए है, यानी कि भारत देश के लिए। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जरसाहिर उस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित तो हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। कह रहे हैं कि यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जरसाही रूस जो है वो नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो गया। रूस से जब जरसाही हटा था, देखते ना, रूस से जब जरसाही हटा, आपको हम ये पढ़ाए थे कि रूस में कितना ज्यादा अत्याचार हुआ था, बताए थे ना, जार निकोलस के बारे में हम आपको बताए थे कि वहां रूस पर कितना ज्यादा अत्याचार किया था, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो जिस प्रकार से अगर जरसाही समाप्त हो गया तो समाजवाद आ गया, गरीबों का मजदूरों का राज आ गया। तो जब समाजवाद आने पर, समाजवादी व्यवस्था आने पर जरसाही रूस जो है वो एक नए राष्ट्र एक नए देश के रूप में परिणत हो सकता है। तो उसी प्रकार से अगर राष्ट्रीय अस्मिता पहले से भारत में आ जाए तो क्या ये समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यह राष्ट्रीय अस्मिता नहीं आ सकता है? आ सकता है, इसकी कल्पना भी की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज्यादा पिछड़े हुए थे समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था से ज्यादा बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकता है। समाजवादी व्यवस्था से ज्यादा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। समाजवादी व्यवस्था जहां नहीं था, अगर वहां समाजवादी व्यवस्था लागू हुआ तो वो क्या हो गया, ज्यादा बढ़िया हो गया। और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा क्या हो गई, तेज हो गई। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है वो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो आपका जवाब होगा समाजवादी व्यवस्था में संभव है। भारत का जो पूर्ण विकास है वो किस व्यवस्था में संभव है, तो आपका जवाब होगा समाजवादी व्यवस्था में संभव है। और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। कह रहे हैं कि हमारा देश अभी ऐसा है जहाँ का जो जनता है ना वो नए और पुराने संस्कृतियों से क्या है, वंचित है। जब वह साक्षर होगी, जब वह पढ़ लिख जाएगी तो साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। कह रहे हैं कि अभी जब भारत के लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, अभी जो भारत के लोग अशिक्षित हैं, जो साहित्य को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति, जब वही लोग साहित्य को पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर जो वाल्मीकि का जो रामायण है, वाल्मीकि का जो साहित्य है, उसे पढ़ने वाले करोड़ों लोग होंगे, समझ गए ना। लेकिन जब तक नहीं पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो अनुवाद में ही नहीं उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे। और इस तरह देश में इतने बड़े पैमाने पर संस्कृति का आदान प्रदान होगा कि सुब्रह्मण्यम भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे।
आप लोग जानते होंगे कि क्या है सुब्रमण्यम जो है ना, ये दक्षिण भारत के लेखक हैं। तो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत का लेख उत्तर भारत वाला नहीं पढ़ सकता है, उत्तर भारत वाला दक्षिण भारत वाला को नहीं पढ़ सकता है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जब साहित्य का विकास हो जाएगा तो दोनों पढ़ सकेंगे, क्योंकि भाषा का बदलाव हो जाएगा। अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ है तो हम लोग उसको हिंदी में करके नहीं पढ़ सकते हैं, तमिल में लिखा हुआ है तो तमिल से हिंदी में नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांग करके सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत से बहुत नाम सुनते हैं, वो तो इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही, और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर के वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा को लोग ना प्रभुत्व जमाने का भाषा मानते हैं कि भाई पहले से अंग्रेजी चला रहा है, लेकिन बस ये प्यारे बच्चों वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा है, बस ज्ञान के लिए है। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप के अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। तब मानव संस्कृति की क्या विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर प्यारे बच्चों जैसे जैसे साहित्य का विकास होगा, वैसे वैसे लोग पढ़ने के प्रति अपनी रुचि को दिखाएंगे, समझ गए ना। यानी जैसे जैसे साहित्य का विकास होगा, लोग किसी दूसरे भाषा में भी लिखे गए कविता को बड़े आराम से पढ़ सकेंगे और उसे भी समझेंगे भाषा के रूप में, भाषा रूपांतरित करके, समझ गए। तो यही प्यारे बच्चों आपका चैप्टर था, जो कि एकदम अच्छे तरीके से समाप्त हो गया, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बता दीजिए प्यारे बच्चों ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। एक बार और अगर ना होगा तो वीडियो को देख लीजिएगा, और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो तो भाई आप लोग इस क्लास को लाइक भी जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आप लोगों का अंग्रेजी का क्लास शुरू होगा, तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में ना हम टोटल प्रश्न उत्तर बता देंगे। टोटल प्यारे बच्चों इस चैप्टर में 14 प्रश्न है और एक व्याख्या करने वाला है, टोटल 15 प्रश्न है, समझ गए ना। टोटल 15 प्रश्न है, एक है 14 प्रश्न इधर और एक व्याख्या करने वाला, टोटल 15। तो कल हम आपको ना इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, और अगर मौका मिला तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हम कल करवाने का अथक प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस चैप्टर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।